पंचकुला में नाडा साहिब से हजारों की संख्या में किसानों ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के घेराव को किया कूच। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने की हैवी बैरिगेटिंग। ब्रज वाहन सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। किसानों ने बैरिगेटिंग तोड़े। किसानों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। मौके पर तनाव का माहौल। पंचकुला में आज प्रदेश भर के हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं। सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। मैं दिखाना चाहूंगी मेरे सहयोगी पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर तमाम किसान जो है अपनी मांगों को लेकर यहां डटे हुए हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के घेराव को कूच किया था, लेकिन पंचकुला पुलिस द्वारा इन्हें बॉर्डर पर रोक लिया गया है। हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से किसान यहां एकत्रित हुए हैं, जिनकी मांगे हैं मुआवजे को लेकर, जिनकी मांगे हैं इनकी जमीन जो देश आमलात की है पट्टे पर है और इस तरह की अन्य जमीनें हैं उसको लेकर पूर्ण रूप से मालिकाना हक इन्हें दिया जाए, इसके लिए नया कानून लाया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर आज यहाँ ये बैठे हैं और मैं वही दिखाना चाहूंगी इस वक्त यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पंचकुला तहसीलदार एसडीएम डीसी डीसीपी तमाम यहाँ पर अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, तमाम एसीपी यहाँ मौजूद है, सभी थाना प्रबंधक यहाँ मौजूद है, भारी पुलिस बल यहाँ लगाया गया है। बैरिकेडिंग जो है पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर की गई है और अगर स्थिति बिगड़ती है तो वज्र वाहन यहाँ तैनात किया गया, जिसको लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं आपको बता दें जो किसान भाई हैं इनकी मांगे हैं कि जो धान की फसल इस बार पौध जो है विकसित नहीं हो पाए, पौधे उसको लेकर काफी नुकसान जो है किसानों का हुआ है, इसके मुआवजे की मांग वो सरकार से कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 में जल भराव के चलते जो फसलें खराब हुई हैं उसकी जल्द गिरदावरी कराकर उचित मुआवजे की मांग इन्होंने की है। लंपी स्किन वायरस के चलते जिन किसानों के मवेशी मर गए हैं उसके लिए भी इन्होंने मुआवजे की मांग की है। इन सभी मांगों को लेकर आज ये सड़कों पर उतरे हैं और इनकी एक ही मांग है कि इनकी जो मांगे हैं ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखेंगे। हालांकि जिला प्रशासन ने पुलिस जो उपायुक्त है पंचकुला उपायुक्त उन्होंने कहा है कि इनकी मुलाकात अन्य अधिकारी से करवाई जाए, पर उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम इस प्रदेश के किसान हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखना हमारी बातों का हमारा हक है और हम अपने मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इन्होंने इस मांग के साथ यह भी ऐलान किया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती और अगर सरकार यानी मुख्यमंत्री की तरफ से बातचीत नहीं की जाती है तो ये आगे अपना आक्रामक रूप भी अपना सकते हैं। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ ग्राउंड जीरो से उमंग शरान। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।